नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी चीज़ें चल रही है, काफ़ी इशू को लेकर लोग आगे आ रहे हैं और अपना बातें रख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के आगे में। उन्हीं में से एक आज हम बात करने वाले हैं तवांग चर्च इशू के बारे में लेकर, जो कि काफ़ी बड़ा इशू है और जिसको लेके अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से कई सालों से वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं, सीएम को बार बार मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। और मैं बताना चाहूँगी, हाल ही में ही गए महीने को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो टीम है उसका रिसफल हुआ है, नया कमेटी बनाया गया है। और नया कमेटी तो है, लेकिन अभी जैसे हमारे साथ देख सकते हैं फ्रेम में तार मेरी जी है, जो कि फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो चलिए सीधे सर से मिलेंगे और जानेंगे तवांग चर्च का जो क्या अपडेट है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आया कि नहीं आया, कुछ कॉल आया कि नहीं आया। तो चलिए सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल, साथ ही साथ हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे जनरल सेक्रेटरी के बाद अभी आप एज अ प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को आप देखभाल करेंगे। तो हम सीधे जानना चाहेंगे कि सर कुछ अपडेट आया स्टेट गवर्नमेंट से तवांग चर्च इशू को लेकर सर। हाँ, सबसे पहले अरुणाचल टुडे को मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के ओर से प्यार भरा नमस्कार करते हैं और जितना भी अरुणाचल के ईसाई भाई और बहनों को भी मैं प्यार भरा नमस्कार देते हैं। और आप सब जानते हैं कि तवांग चर्च मुद्दा कई 3 सालों से चल रहा है। वो 3 सालों के अंतर्गत अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा 3 बड़ा रैलियां सरकार के द्वार में वो जमा करके रखा हुआ है। वो 3 रैलियां को सरकार कब हमें बुलाएंगे और कब हमें इसका फैसले सुनाएंगे, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम अब तक इंतजार में है जी। और सर, जैसे लास्ट आप लोग का जो मास पीसफुल रैली हुआ था 19 अगस्त को ही, और उससे पहले जब स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो हाई पावर कमेटी सेटअप की गई थी उनका तो रिपोर्ट सबमिट किया, आप लोग ने सीधे तौर से आप लोग सेटिस्फाई नहीं है इस तरह के कहना था, तो अभी जैसे आप इंतज़ार में है कह रहे हैं, लेकिन सर जब लास्ट रैली किया गया तो काफ़ी जो बिलीवर्स है, फॉलोवर्स है क्रिश्चियनिटी का, उनके तरफ से भी कहा जा रहा था कि कितने बार हम रैली करेंगे, कितना हम शांत रहेंगे, क्रिश्चियन फोरम अभी टाइम आ चुका है कि आपके तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और जो रिवाइवल चर्च जिसको रुकाया गया है कंस्ट्रक्शन को तवांग डिस्ट्रिक्ट में, उसे जल्द से जल्द बनाया जाए, तो उसको लेकर क्या कहना होगा एज अ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम प्रेसिडेंट सर। हाँ जी, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम शुरू से ही जो 3 कमिटी मेंबर का रिपोर्ट को नाकर कर चुका है फ्रॉम दी वेरी इंसेप्शन, the Arunachal Christian Forum has outrightly rejected the report submitted by the 3-member committees which was headed by the environmental and forest minister government of Arunachal Pradesh. Usi silsile mein humne jab wo 2 November 2020 ko humne pehla jo peace protest rally humne ahwan kiya aur humne उसके बाद 12 नवंबर 2020 को 3 कमिटी का सरकार ने गठन किया। कमिटी गठन कब करते हैं, किसी भी समाज में विवाद होते हैं या जनता सरकार का साथ विवाद होते हैं, उसको फैसला करने के लिए, मुद्दा को सुलझाने के लिए ये कमिटी गठन करता है। लेकिन ये कमिटी जो है वो रिपोर्ट सौंपा है जिसमें हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम एक तरफा वन साइडेड रिपोर्ट कहे जा सकता कहते हुए आते आया है, और वो रिपोर्ट जो है गैर ईसाई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हमने खंडन करते हुए फिर से हमने 2 बड़ा प्रोटेस्ट रैली सरकार का साथ हमने जमा करके रखा है। अभी हम सरकार से इंतज़ार है, सरकार हम कब बुलाएंगे और हम सरकार का नियोता को हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम अभी इंतज़ार में हैं।
और सर जिसे आपने कहा कि आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे, उसके बाद में जो 19 अगस्त को आप लोग ने रैली ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बाद सर आप लोग की तरफ से अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के तरफ से कोई मेमोरेंडम या फिर रिप्रेजेंटेशन आपने सबमिट किया था सीएमओ ऑफिस में या फिर सीएम को, ताकि आपको फिर से बुलाया जाए, या फिर आप लोग ऐसे ही जनरली रुक रहे हैं कि सीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको बुलाए? देखिए 6 तारीख रिपोर्ट के बाद, तीन कमिटी रिपोर्ट के बाद हमने फिर से 6 जून को एक सबसे बड़ा रैली हमने आयोजित किया है। उसका रैली का बाद 29 जून को जो मुख्यमंत्री ने ये रैली को जवाब देते हुए जनता से, सबों से, ईसाई लोगों से ये कहता है कि तवंग विषय, तवंग चर्च निर्माण विषय इतना बड़ा चीज़ नहीं है, वो जल्दी ही सुलझाया जाएगा, वो जल्दी ही रिजोल्व किया जाएगा, इसी उनके बयान पर अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम अभी इंतजार में है। तो सर हम जान सकते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग, इवन मेमोरेंडम आप लोग ने सीएमओ ऑफिस में रखा, और आप लोग की तरफ से एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता था कि सीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो हम लोग जैसे आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट रैली किया, आप लोग की तरफ से मीटिंग कंडक्ट किया जा रहा है अपने जितने भी क्रिश्चियन फोरम्स हैं, तो इस बार आप लोग की तरफ से कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है, या फिर आप लोग इंतज़ार ही करेंगे जब तक सीएम कांडू या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कॉल नहीं आता? देखिए ये टाइम जब तक हमें, हम समय नहीं देता तो सरकार लगता है हमें नहीं बुलाएंगे। इसके लिए बहुत जल्दी ही हम एक जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का कमिटी, हम 2 बार मीटिंग भेज चुके हैं, कुछ समय हम इंतज़ार करेंगे सरकार हमें कब बुलाएंगे, और इसके बाद हम देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, ये एक सरकार से हमारा बेकार लड़ाई नहीं है, ये हम सरकार से हमारा जो अधिकार, मानव अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसको मांगना बिल्कुल कतई ही जारी रहेगा। और इसके बाद हमने ये 16 जुलाई 2022 में हम सब सारा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट का जितना भी बड़े बड़े चर्च लीडर्स लोग आके फैसला किया कि हम कुछ समय रुकने के बाद सरकार हमें नहीं बुलाता और सरकार इस विषय में फैसला नहीं करता, तो हमने एक स्लोगन तैयार करके रखा है। वो स्लोगन है, पहला स्लोगन हम होंगे कामयाब एक दिन, और दूसरा स्लोगन है चले चलो हम सब तवांग के ओर, तवांग के ओर, और गिरजाघर का निर्माण पूरा करें, ये हमारा स्लोगन रहा। ये स्लोगन बिल्कुल बहुत ही जल्दी हम कोशिश करने वाले हैं। और तवंग चर्च इशू जो है, मैं सबों से मेरा ये विनम्रता के साथ मेरा एक विनती है कि तवंग चर्च किसी भी प्रकार से तवंग चर्च सॉल्व किया नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी कोई भी इंसान से तवंग चर्च इशू को ऐसा जो सॉल्व किया नहीं जाएगा, केवल और केवल तवंग चर्च सॉल्व होगा तो चर्च निर्माण करने से ही सॉल्व हो पाएगा। जी क्या जैसे कि अभी प्रेसिडेंट ACF उनके तरफ से सीधे तौर से कहा गया कि जो तवंग चर्च इशू है तभी सॉर्ट आउट होगा, उसका कोई दो राय नहीं है जब तक तवांग में वो रिवाइवल चर्च का कंस्ट्रक्शन उन्हें करने दे नहीं दिया जाता है। तो अभी जैसे कि आप एज अ प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्रिश्चियन को अगर देखें तो काफ़ी बिलीवर्स फॉलोवर्स है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपके तरफ से उन्हें क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि आप एज अ प्रेसिडेंट अभी आप देखभाल करने वाले हैं क्रिश्चियन फोरम को, तो क्या मैसेज और क्या कहना चाहेंगे तवांग चर्च इशू को लेकर, कुछ मैसेज अगर आप चाहेंगे? हाँ देखिए, अरुणाचल ईसाई, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मकसद है हम अरुणाचल को एक शांति राज्य बनाने के लिए, और हम एकता में, हमें अनेकता में एकता के लिए हमारा ईसाई धर्म का नियम है, और ईसाई धर्म का ये एक टीचिंग या एक प्रीचिंग होता है। इसलिए मैं हर एक विश्वासी, खासकर अरुणाचल क्रिश्चियन के जितना भी समुदाय लोगों से ये विनती है, आप लोग थोड़ा धीरज रहिए और थोड़ा पीस मेंटेन कीजिए, और अरुणाचल शांति, अरुणाचल का शांति और अरुणाचल का विकास, अरुणाचल का एकता के लिए, और अरुणाचल का जितना भी नेता जो शासन करता है, शासक और शासन करने वाले लोग के भी आप लोग लगातार
जो प्रार्थना विनती करते रहे ताकि अरुणाचल शांति आए और अरुणाचल का विकास आगे चले और अरुणाचल में हर धर्म का लोग एक साथ बने रहे। थैंक यू सो मच तारमेरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट तारमेरी जी। और देखना ये होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट की ओर से क्लियर कट उन्होंने कह दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर तवांग चर्च इशू को बना जो है वो तब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा जब तक तवांग पे चर्च बन के नहीं होता है। और देखना ये होगा कि कब तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तवांग में जो चर्च बनाने के लिए परमिशन दिया जाता है। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with the touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.